हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त अशिता एंड आई एम अगेन हियर विद द न्यू वीडियो। और ये वीडियो काउंसलिंग के रिगार्डिंग है और बहुत बच्चों को सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के काफ़ी डाउट्स थे। सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग तो फोर्थ को होनी थी तो वो नहीं हुई है, और क्यों नहीं हुई है वो सारे डाउट्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टुडेज वीडियो। सबसे पहली बात, जो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग था वो क्यों नहीं हुआ, तो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग जो है वो फिलहाल पोस्टपोन है। ऐसा नहीं है कि सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग नहीं होगा, बट हाँ फिलहाल के लिए पोस्टपोन्ड है, क्योंकि जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग है उसमें तो सारी सीट्स फुल हो चुकी हैं। तो अभी फिलहाल नीट की जो है वो काउंसलिंग नहीं हुई है, तो हो सकता है अगर किसी बच्चे का एमबीबीएस में सिलेक्शन हो जाता है तो फिर हो सकता है कि सीट्स वेकेंट हो जाएं, तब सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग होगा। लेकिन हाँ, अगर अभी ऑफिशियली साइट पे ये अनाउंस नहीं हुआ है कि सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग नहीं होगा, उसमें सिर्फ इतना बताया गया है कि पोस्टपोन हुआ है। सो पोस्टपोन कब तक है, जब तक नीट की काउंसलिंग नहीं होगी और जब तक आईजीएमसी की साइड पर अगला नोटिस नहीं आता है, तब तक के लिए हमारी जो काउंसलिंग है वो पोस्टपोन है। और फिलहाल सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग नहीं हो रहा है, फिलहाल पोस्टपोन ही है। और अगर कोई सीट वेकेंट हो जाती है तब सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। और ये था मेन काउंसलिंग को लेके। अब बात कर लेते हैं, एक बच्चा मुझसे पूछ रही थी कि क्या हम उसने रीनल अडॉप्ट किया है शायद, और अगर उसको कोर्स चेंज करना है तो क्या वो सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में कर सकती है। तो यस, आप सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में चेंज कर सकते हो, लेकिन उसके भी कुछ कंडीशंस हैं। जैसे अगर आपके मार्क्स मेरिट में, ऑब्वियसली सेकेंड राउंड ऑफ में तो ज़्यादा ही रहेंगे, लेकिन हाँ आपके मार्क्स से ज़्यादा वाला कोई होना नहीं चाहिए। और अगर आपको कोर्स चेंज करना है तो जो सीट वेकेंट हुई है वो आपकी कैटेगरी की होनी चाहिए, तभी आप उस सीट को चेंज करवा सकते हो। अदरवाइज आपकी सीट चेंज नहीं होगी। अगर मानो कि आप जनरल को बिलोंग करते हो या फिर एस सी और एस टी की सीट खाली हो रही है, तो आप उस सीट के लिए फाइट नहीं कर सकते हो। आपको सिर्फ अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी की सीट के लिए फाइट करना पड़ेगा। अगर आपकी रिस्पेक्टिव कैटेगरी की सीट वेकेंट हो रही है तो यस, आपकी काउंसलिंग होगी एंड आप काउंसलिंग अटेंड कर सकते हो। और फिलहाल के लिए कोई अभी कोई काउंसलिंग नहीं हो रही है, काउंसलिंग पोस्टपोन है। और अगले नोटिस का हमें वेट करना पड़ेगा कि देखते हैं अब कब के लिए नोटिस आता है, पर फिलहाल सारी सीट्स फुल हैं, कोई सीट्स वेकेंट नहीं है। बट हाँ, अब सब नीट की काउंसलिंग पर डिपेंड करता है कि काउंसलिंग का क्या रिजल्ट रहता है, क्या किसी बच्चे का सिलेक्शन एमबीबीएस में होता है कि नहीं होता है। और अगर किसी का नहीं होगा तो फिर सीट वेकेंट भी नहीं होगी। तो अब वेट करते हैं नीट की काउंसलिंग का और देखते हैं कि सीट वेकेंट होती है कि नहीं। सो यही दो डाउट्स आई थिंक आप लोगों के थे कि हाँ क्या हम कोर्स चेंज कर सकते हैं और क्यों पोस्टपोन हुई है। तो आई होप इस वीडियो में कवर हो गया, एंड आई एम सॉरी इस वीडियो को अपलोड करने में मुझे थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मेरे एग्जाम्स अभी पिछले कल ही खत्म हुए हैं। सो मैं आज ही फ्री हुई हूँ, तो जैसे मैं फ्री हुई वैसे मैंने आप लोगों को अपडेट कर दिया। सो यस, फिर अगले नोटिस का हम वेट करते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।